और अब देश की बड़ी खबरों के लिए नजर डालिए भारतवर्ष टॉप नाइन पर। पूर्वोत्तर के दो राज्यों मेघालय और नागालैंड में आज 59-59 विधानसभा सीटों के लिए मतदान हुआ। अब 2 मार्च को त्रिपुरा के साथ नतीजे आएंगे। चुनाव आयोग के मुताबिक शाम 5 बजे तक मेघालय में 74% से ज्यादा जबकि नागालैंड में 82% मतदान हुआ। पीएम मोदी ने कर्नाटक के बेलगावी से किसान निधि की 13वीं किस्त जारी की, जिसके तहत करीब 16,000 करोड़ रुपए की राशि 8 करोड़ किसानों के खाते में ट्रांसफर किए गए। पीएम ने इसे होली से पहले किसानों के लिए तोहफा बताया। बेलगावी में पीएम मोदी ने मेगा रोड शो भी किया। इस दौरान उनके एक झलक पाने के लिए करीब 11 किलोमीटर के रूट पर सड़क के दोनों ओर लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। लोगों ने बीच बीच में मोदी मोदी के नारे भी लगाए। कर्नाटक के शिवमोगा में एयरपोर्ट समेत कई प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन कर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, ये इस क्षेत्र के जवानों के सपनों को नई उड़ान का अभियान है। प्रयागराज उमेश पाल हत्याकांड के बाद यूपी पुलिस का बड़ा एक्शन देखने को मिला। हत्या में शामिल एक हमलावर अरबाज को पुलिस ने ढेर कर दिया। नेहरू पार्क के पास बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हुई, जिसमें अरबाज के सीने और पैर में गोली लगी। उसने अस्पताल में दम तोड़ दिया। प्रयागराज पुलिस के मुताबिक एनकाउंटर में मारा गया अरबाज माफिया अतीक अहमद का बेहद करीब था। फिलहाल वो अतीक के बेटे का ड्राइवर था। सीसीटीवी फुटेज में अरबाज फायरिंग करते दिखा था। हमले में इस्तेमाल क्रेटा गाड़ी भी वही चला रहा था। प्रयागराज केस में पुलिस का एक्शन जारी है। लखनऊ एसटीएफ भी जांच में मदद कर रही है। उधर माफिया अतीक की पत्नी शायस्ता परवीन ने सीएम योगी से मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। उमेश पाल हत्याकांड के विरोध में प्रयागराज और सीतापुर में वकीलों ने हड़ताल की। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सीआरपीएफ कैंप हमले के चारों दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। सबाउद्दीन, इमरान शहजाद और मोहम्मद फारूक को एसआईटी ने 2008 में AK-47 हैंड ग्रेनेड और पाकिस्तानी पासपोर्ट के साथ चारबाग से गिरफ्तार किया था। टेलीकॉम कंपनियों की ओर से दी जाने वाली ब्रॉडबैंड सेवा के लिए अब कम से कम 2 Mbps की स्पीड अनिवार्य होगी। इसे लेकर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ट्राई के मुताबिक देश में 82 करोड़ से ज्यादा ब्रॉडबैंड यूजर्स हैं।